काशीपुर के ननकाना साहिब गुरुद्वारे के पास से गुजरने वाला राजमार्ग कुमाऊं और गढ़वाल को आपस में जोड़ता है। काशीपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कारण अब इस मार्ग पर 24 घंटे भारी व हल्के वाहनों का आवागमन बना रहता है। हैवी ट्रैफिक के चलते गुरुद्वारे के पास वाला हिस्सा गहरे गहरे गड्ढों में तब्दील हो गया है। इस उबड़ खाबड़ सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। यदि समय रहते इस मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि गुरुद्वारे के पास छोटे बच्चों का विद्यालय होने के कारण खतरा और भी बढ़ जाता है। इस विषय पर सुरागेला न्यूज की टीम ने स्थानीय व्यापारियों और अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की। लोगों ने बताया कि इसकी मुख्य समस्या है पानी की टंकी से आने वाली पाइपलाइनों की लीकेज, जिसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। वहीं जल संस्थान के अधिकारी का कहना है कि इसके लिए उन्होंने बात की है, पर ऊपर से अभी तक इसके लिए कोई जवाब नहीं आया है। देखिए सुरागेला न्यूज चैनल से मानिक गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागेला न्यूज चैनल से, और आज हम मौजूद हैं काशीपुर के पीछे के एरिया में, जहां पर बड़े गुरुद्वारे को जोड़ने वाली रोड, ये जो मुख्य सड़क यहां से निकल रही है, इस आप देख सकते हैं क्या बदहाली इसकी हो रखी है। ये जो सड़क है, आपको बता दें कि गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाली एक बहुत ज़्यादा चलने वाली सड़क है, जो 24 घंटे चलती है, लेकिन यहाँ पे निर्माण कार्य लगातार होता है, जिसका कोई फायदा होता नहीं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के निजी व्यापारियों से, स्थानीय लोगों से, कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अब ये पहले से भी काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ करीबन 1.5-2 साल पहले ये प्रशासन ने बनवाई थी, लेकिन ये पानी की टंकी जो बनी है, इसकी नई पानी की टंकी बनी है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, उसकी लाइन बिछी हुई है। अब वो लाइन लीकेज हो रही है जगह जगह से, उसका पानी नीचे आता है, उसकी वजह से सड़क उभर जाती है। अब प्रशासन इसको ध्यान नहीं देता, कई बार इसको रोकते हैं, वो आते हैं जल निगम के कर्मचारी आते हैं, वो उस पर ट्यूब लपेट के चले जाते हैं, लेकिन रुकती नहीं, वो 2 दिन के बाद में फिर शुरू हो जाती है। इसी कारण से सड़क रुकती नहीं है, वो टूट जाती है। सही रुकती है, फिर सही करा देते हैं, फिर टूटती, फिर सही करा देते हैं। इसका मेन कारण है लीकेज। यहाँ पर सीवर टंकी की पाइपलाइनें हैं, उनका लीकेज बड़ी तादाद में, 3-4 जगह पॉइंट पर लीकेज है, जिसकी वजह से पानी से जो पोलता है वो रुकता नहीं है, तो इस वजह से बार बार टूट जाती है। जब तक लीकेज नहीं रुकेगा तब तक रोड नहीं रुकेगा, इसलिए मतलब तो पहले लीकेज बंद हो, फिर रोड पर डावर जो पोलता वगैरह। नहीं करना चाह रहा हूँ इसमें, जो पुरानी लाइन थी जो हमारे अंदर में थी पहले जल संस्थान की, वो लाइन हमने चेंज कर दी है। नई लाइनें वहाँ पर जल निगम द्वारा डाली गई थी, जिनका स्थानांतरण हमें अभी हुआ है, उसमें जो लीकेज हो रही है वो के लिए हमने जो है जल निगम को लिखा था कि आप ये जो नई लाइन है और इन पर जो कार्य किया गया है वो उत्तम क्वालिटी का नहीं है, और इसको उन्हें ठीक हिसाब से मरम्मत कराने के लिए निर्देशित करेगा। ये कार्रवाई को क्या उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन अगर वो नहीं होता तो हम जल्दी उसको कराने की कोशिश करते हैं। जी, अभी ये मामला हमारे संज्ञान में आ चुका है, मैं खुद इसका निरीक्षण करूंगा और जो संबंधित विभाग हो, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो, और जो वहाँ पे रोड खराब हो रखी है उसको जल्द से जल्द हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि रोड हर महीने निर्माण के लिए या कुछ कुछ समय पे निर्माण इसका होता है, पर लगातार वो टूट जाती है, तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं देखिएगा, ऐसा है ना, वो तो अभी है कि जो अब कुछ जगह तो इनकी जल निगम वालों की पाइपलाइन है, पाइपलाइन का जो है वो बार बार वहां से टूटती रहती है, तो ये अब उसका जब परमानेंट सोल्यूशन करेंगे, अब वो उसमें पानी लीक होता तो सड़कों में होता तो कुछ वो जो पैच होते हैं फिर उस हिसाब से बनवा दिया जाता। अब इसका फाइनल जो निस्तारण तो यही करेंगे, यदि वो लाइन को शिफ्ट करें वहाँ से, जिससे आपको भी ट्रैफिक जब चलता है तो वो पाइप हो सकता है पुराना हो या जो भी हो, तो बार बार लीक करता है तो उस वजह से दिक्कत आती है। लेकिन यह है कि हमारा तो रेगुलर इसमें फिर भी जो पैच का या रिपेयर का काम चलता ही रहता है। उस हिसाब से उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।